हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके टेक्नोसोन पर और मैं हूं धनजी राइडर। और आज इस ब्लॉगर के मास्टरपीस कोर्स में आपको हम ब्लॉगर की ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। ब्लॉगर के सारे टिप्स को शेयर करने वाले हैं, यानी ब्लॉगर में क्या क्या होता है, ब्लॉगर से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिए गए सारे फीचर्स आपको सब कुछ आज की आज पता लगने वाला है। तो इस ब्लॉगर कोर्स के वीडियो में हो सकता है कि 3-4 वीडियो बने, जिसमें हम इन सभी सेटिंग्स की, इन सभी फीचर्स की पूरी बात आपको बताएंगे कि इन सब से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिसको एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाएंगे। तो अभी के लिए हम ब्लॉगर की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिस पर आप साइट बना सकते हैं अपनी, और साइट बना के आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इसको कुछ टेस्ट के लिए करना चाहें तो टेस्ट के लेवल पर भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए पहले ब्लॉगर को जानते हैं कि कैसे आप एक ब्लॉगर वेबसाइट बना सकते हैं। तो ब्लॉगर वेबसाइट बनाने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना होता है और अपने ब्लॉग का जो नाम होता है, तो यहाँ से मैं कोई भी नाम दे देता हूँ ब्लॉगर का। और उसके बाद ब्लॉगर का लिंक यानी कि URL चूज़ करने को आता है, तो यहाँ से मैं कोई भी नाम ऐसे कैसे टाइप करके, और यहाँ से ये मेरा मिल गया है। यहाँ पर सब कुछ, सारा डोमेन नहीं मिल पाता है, तो ये एक नॉर्मली स्टेप हुआ कि आपकी वेबसाइट बनके यहाँ पे तैयार हो जाती है। देख सकते हैं 1 सेकेंड लगा हमको बनाने में अपनी वेबसाइट को, और ये 10 सेकेंड में रेडी होकर चली आई। तो ऐसे हम एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं नॉर्मल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आज पहला दिन है, तो आज हम सबसे पहले अपने चेक ब्लॉग पर चलेंगे। ये ब्लॉग वो है जिसपे मैं सारा कोडिंग और सारा थीम मैं इसी पर डिज़ाइन करता हूँ। आप इसको विजिट करके देख सकते हैं यहाँ से। ये है ब्लॉग जो कि इसमें कोई भी थीम अभी नहीं लगी है। तो सबसे पहले यहाँ डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। देखिए डैशबोर्ड में आपको क्या मिल जाता है, सबसे पहले टॉगल मेनू है, और टॉगल मेनू में ये आपके ड्रॉप डाउन या ये मेनू आइटम्स है जिसमें कमेंट्स, पेजेस, लेआउट ये सब मिलता है। और यहाँ से आप अपने जो वेबसाइट आपकी है उसको व्यू करके देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इधर टाइप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इस टॉगल पर क्लिक करके अपने पब्लिश्ड पोस्ट यानी कि कितने पोस्ट आपने पब्लिश किए हैं और कितने आपने अभी पब्लिश नहीं किए हैं वो आपको ड्राफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपने उसको इसे डिलीट कर दिया, मान लीजिए कि आपका कोई पोस्ट पब्लिश है, ठीक है, और उसको आपने इसे डिलीट कर दिया, तो ये कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ये ट्रैश पोस्ट में। और इसको ट्रैश पोस्ट में से आप यहाँ से फिर से इसको मतलब कि यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे मैनेज पे और यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ट्रैश में मेरा जीरो हो गया। ऑल पे आते हैं जी, ये हुआ। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई पोस्ट है तो उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, बहुत सारे मेथड है यहाँ पे सर्च करने के लिए। तो यहाँ से आप पब्लिश्ड के लिए एस पब्लिश्ड कर सकते हैं, इसको भी टाइप करेंगे तो वही सारी चीज़ आएंगी जो कि पब्लिश्ड है यहाँ पर। और एक स्टेप यहाँ पर देख लीजिए सर्च मारने में, मान लीजिए कि इतनी सारी यहाँ से कैटेगरी के अनुसार भी मार सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर APK करता हूँ तो कुछ नहीं है, तो बायोग्राफी किया और इंटर यहाँ से करके अप्लाई करूँगा तो बायोग्राफी से जितने भी पोस्ट होंगी वहाँ नीचे आ जाएंगी। तो अभी मेरे पास एक भी बायोग्राफी से पोस्ट नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट ओके, हम ब्लॉगर थीम से करते हैं। तो इससे मैंने पोस्ट क्यों नहीं आ रही है, हाँ यहाँ देखिए ऑल में जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट में पोस्ट आ रही थी। तो यहाँ से आप सर्च मार सकते हैं। और एक और तरीका है, यहाँ से मैं लेवल टाइप करूँगा ऐसे, और यहाँ पर सजेशन आ गया, और यहाँ से मैं टाइप कर दूँगा कोई भी। देखिए यहाँ पे सारे मेरे लेवल्स आ गए हैं, यहाँ पे मैं 1080p टाइप करके इसको इंटर करूँ तो देखिए वो सारे पोस्ट आ जाएंगे जो कि 1080p लेवल से जुड़े हुए हैं। और एक बहुत सारी तरीके हैं, स्टेटस से आपको दिखा दिया, शॉर्ट से दिखा दिया, कितना मतलब इससे मतलब हुआ कि स्टार्ट अपडेटेड डेट कौन सा है, अपडेटेड डेट से मार सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पर है। ठीक है, पब्लिश डेट कब से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर अपना डाल सकते हैं डेट 20 फरवरी या कुछ भी। तो ऐसे तो कोई सर्च नहीं मारेगा, सब लोग ऐसे नाम से मारेंगे, ऐसे करके थीम करेंगे और उनका मिल जाता है लगभग, नहीं तो यहाँ से सर्च मार लेते हैं लेवल को ऐसे करके। तो ये सब हुआ, ये सर्च बटन का काम, ये क्वेश्चन मार्क बटन का काम। देखिए हेल्प पे गए अभी, ये एक ब्लॉगर का, ये यूं बोल तो कम्युनिटी सिस्टम है जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ब्लॉगर के बारे में, जैसे कि यूज़ एनालिटिक्स विथ ब्लॉगर, क्रिएटिव ब्लॉग जो आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ से ना आप पूरी जो ब्लॉगर की है पूरी यहाँ पे कम्युनिटी से मतलब कुछ पूछ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ। प्लस ये सेंड फीडबैक क्या है, मान लीजिए कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ और फीचर्स आपको चाहिए, तो
तो या कुछ आप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बग आ रहे हैं आपकी मतलब कि ब्लॉगर में, तो यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बारे में लिख के यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये क्या है, ये है गूगल के प्रोडक्ट के लिए, कितने सारे गूगल के प्रोडक्ट है यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे ऐप आपका खुल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से आप अपने ईमेल्स आईडीज देख सकती हैं, उनको स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसके साथ अगर स्विच करना है तो इस पर क्लिक करूँगा तो उसके साथ जितने ब्लॉगर के अकाउंट होंगे वो सारे यहाँ पर खुल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिस्टम है, चलिए ये समझ गए, इसका सॉर्ट करने का भी समझ गए। और ये मैनेज क्यों है, यहाँ पर मैनेज पर टिक करके हम एक ही बार में सबको पब्लिश कर सकते हैं, सबको ड्राफ्ट कर सकते हैं, सब में एक लेवल कैटेगरी लगा सकते हैं, जैसे कि माई लेवल किया मैंने। इसको स्विच करेंगे यहाँ पे, ये जो इसका आइकन है उसको बॉक्स को फिल करेंगे, चेक बॉक्स को अप्लाई करेंगे तो सभी में माई लेवल का लग जाएगा। देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए जितने भी है उसमें माई लेवल का ये आपको देखने को मिल जाएगा, सभी में माई लेवल जो है कैटेगरी ऐड हो गया है। तो ऐसे आप कैटेगरी भी एक ही बार में ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं सभी के लिए। ठीक है, अब चलिए ये प्लस वाले पे चलते हैं। प्लस वाले का क्या मतलब है, प्लस वाले का कुछ नहीं मतलब है, यहाँ से आप अपनी पोस्ट को राइट कर सकते हैं। ये HTML भी है, ये कंपोनेंट भी है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमने डैशबोर्ड की सारी चीज़ें देख ली है, और ब्लॉगर जो है यहाँ से एक जो दिखने वाली चीज़ है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी कि इन सभी चीज़ का क्या यूज़ है। इस ब्लॉगर के आइकन पर टाइप करेंगे तो वहीं आपका होम पे लेके आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ से कुछ भी देखिए, 3 डॉट के कुछ बता देते हैं टिप्स। यहाँ से आप पोस्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं, किसी पोस्ट को डिलीट करता मतलब डिलीट करना हो ड्राफ्ट में हो तो, और यहाँ से करके प्रीव्यू ले सकते हैं, मतलब इसको व्यू कर सकते हैं कि पोस्ट कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके इसकी कॉपी लिंक कर सकते हैं या कहीं भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसका एनालिटिक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग नहीं क्लिक करते होंगे, लेकिन यार छोटा सा आइकन है, क्या होगा इस पर नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इसका एनालिटिक्स मिल जाता है आपको। यहाँ पे अभी देखिए कमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका कमेंट काम नहीं कर रहा है, या कमेंट काम नहीं करता है। देखिए कमेंट पे मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो कमेंट नहीं खुलता है। कमेंट के लिए आपको यहाँ पे अलग सेक्शन दिया गया है, वैसे भी कोई कमेंट करता ही नहीं। तो मेरी साइट पे जब जाते हो dktechnozone.in पे, तो यार वहाँ पे कुछ कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि कुछ एंगेजमेंट रहे यार। और यहाँ से देख सकते हैं यही सब है, यहाँ से आप अप्लाई लेवल पे क्लिक करके इसमें एक एक्स्ट्रा लेवल को ऐड कर सकते हैं, या इसके सारे ये लेवल्स हटा के सिंगल करके अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा आप सभी के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सारे लेवल पे ऐसे ऐसे टिक करना है, सबको लेवल से हटाना है, तो ऐसे टिक करेंगे और सभी को लेवल से ऐसे हटा देंगे, तो अब किसी भी लेवल से नहीं रहेगा ये। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ इसे, देखिए किसी में भी कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है, तो इसका मतलब एरर है, क्योंकि ये जब एक भी आपका लेवल यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो आपके सर्च कंसोल में एक ब्रेडक्रम का एरर आ जाता है। तो मैं अभी के लिए सभी को माई लेवल में रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे मेरी पोस्ट लेवल में रहे और ब्रेडक्रम का एरर ना आए, जो कि आपके गूगल सर्च कंसोल में आता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने इसमें जितना भी यहाँ पे दिख रहा है उन सभी के बारे में लगभग मैं बता दिया है, और अगली जो होगी वीडियो वो हमारी पोस्ट पे होगी, क्योंकि सबसे दूसरा यही वाला है, यहाँ से आप अकाउंट स्विच कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट में क्या क्या ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है हम देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और सबको एक साथ अटैच कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।